ये देख लो भाई, बड़ा खालसा धाम पर भक्तों की भीड़, इसमें आप देख सकते हैं बड़ा खालसा धाम का ये दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ते हुए और लगातार भक्त जी के द्वारा यहाँ पर झाड़ा प्रक्रिया जारी है। काफ़ी संख्या में भक्तजन सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय का बड़ा खालसा धाम का ये, और भक्तों की तादाद लगातार बढ़ते हुए देखी जा सकती है। भक्तजन लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? सेवली से। किस काम से आए हो? झाड़े के लिए। पहले भी आए थे, आज पहली बार है? फर्स्ट बार है। क्या समस्या है? पैरा में दर्द है या जोड़ों का दर्द है? पैरा में दर्द, जैसे काफी टाइम खड़ा नहीं हुआ जाता, 10 मिनट। यहाँ कैसे पता चला इस धाम पर वही झाड़ा लगाया जाता है? ऐसा जी, यहाँ गांव के आ रही थे, कई आ रहे हैं, उनका आराम हुआ? कुछ आराम हुआ तभी तो आए। अच्छा अच्छा, आराम हुआ है उनको पहले जो आए थे। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता थी भाई, देखिए और भी दृश्य दिखावा है धाम। ये देखिए भाई, धागा बांधा जा रहा है। भगत जी, ये धागा किस चीज का था? धागा जी, ये सर्वाइकल और माइग्रेन का धागा बनाया जाता है। कि जैसे धागे से सर्वाइकल तुरंत की तुरंत धागा बनते ही खत्म हो जाता है। सर्वाइकल तुरंत खत्म, धागा बनते माइग्रेन दोनों चीज बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाता है जड़ से। भाई देखा भाई, इनका बात भी करेंगे, इनका आराम होया कि नहीं, और पूरा दृश्य दिखावांगे हमने धाम का। चार आदमी उड़ा नहीं पूछ ले उड़े ये, तो जो बोल ये पहले मारी है। आजो भाई आगे ना आजो। क्या है आप? मलितपुर से। मलितपुर से क्या काम है आप यार? शुगर। शुगर है? कौन सा झाड़ा है? तीसरा। तीसरा कि मैं आराम है? पूरा आराम है। दवाई दुई तो नहीं लेता? नहीं लेता, कुछ नहीं। कुछ नहीं लेता, आराम हो गया? आराम पूरा। कितना का आराम है? सारा ही आराम है जी। सारा दवाई बिल्कुल बंद? दवाई बिल्कुल बंद कर दी। पूरी रोटी खाओ है? पूरी रोटी। कोई परहेज नहीं मीठा का? कोई परहेज नहीं, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं, किसी चीज़ का नहीं। और शुगर खत्म? शुगर खत्म। तो क्या झाड़े लगाने पड़ेंगे? पांच बता रहे हैं जी। पांच झाड़े बिल्कुल खत्म हो जाएगी? तीसरे में ही हो गया जी। तीसरे में ही हो गया? हाँ। देख सको तीसरे में शुगर खत्म। ये एक चमत्कार है बड़ा खालसा धाम का जो आप देख पा रहे हैं। और भी भक्त आए, उनसे भी बात कराएंगे भाई। काफी संख्या में भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप धाम? मलकपुर गाँव से। तो क्या समस्या थी जो इस धाम पर आए आप? जी मेरे कई साल हो गए बीमारी है, थायराइड की, शुगर की, बीपी कम होना। अच्छा। हाथ पैरों में दर्द रहना, सर्वाइकल, ये मेरे बहुत सारी बीमारी है। सर मतलब समस्या बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ इस धाम पे कैसे पता चला कि भैया समस्या दूर हो? एक हमारी पड़ोस से आए थे जी। अच्छा। कह रहे हैं वहाँ से झाड़ा लगवाने से बहुत ज्यादा आराम पड़ता है। आराम पड़ता है उसको? आराम हुआ है? हाँ जी। देखो भाई, आराम हुआ बताया जा रहा है लगातार भक्तों के द्वारा। ये देखिए धाम पर इसमें लाइन लगी हुई है, जो दृश्य देख पा रहे हैं बड़ा खालसा धाम का दृश्य है। और काफ़ी संख्या में आप भक्तजन लगातार पहुंच रहे हैं सुबह से ही, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो काशीराम जी आश्रम है बड़ा खालसा में, उसका ये दृश्य है। भक्त कपिल जी लगातार लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए, दुखों को हरते हुए देखे जा सकते हैं। और ये देखिए बड़ा खालसा धाम का ये दृश्य, किसी के संपर्क से आई, काफ़ी संख्या में लोगों का लगातार पहुंचना यहाँ जारी है बड़ा खालसा धाम पर। ये देखिए भाई, हर कोई अपनी समस्या को लेकर लगातार धाम पर पहुंचता हुआ। देख सकते हैं आप इत्र का झाड़ा है ये भाई, जो भगत जी के द्वारा लगा जा रहा है इसमें। ये देखिए भाई, लगातार भक्तों की लाइन लगी हुई है बड़े खालसा धाम पर, जो आप दृश्य देख पा रहे हैं। ये
देख सकते हैं दृश्य, बड़ा खालसा धाम का ये दृश्य। हर बीमारी का झाड़ा भाई, हर बीमारी का झाड़ा यहाँ पर, चाहे कोई भी समस्या हो, हर समस्या का इलाज बड़ा खालसा धाम। MBBS बाबा कपिल जी के आशीर्वाद से सब ठीक। ये देखिए भाई, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है लगातार। सुनिए